नमस्कार ब्रदर्स, वेलकम बैक टू ट्रेड द यूट्यूब चैनल। आज के सिंपल लर्निंग वाली वीडियो में हम कैंडल की साइकोलॉजी को समझेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं किस टाइप की कैंडल में बायर्स एक्टिव होते हैं और किस टाइप की कैंडल में सेलर्स एक्टिव होते हैं, और कौन सी कैंडल होती है जिसमें ना ही बायर्स एक्टिव होते हैं और ना ही सेलर्स एक्टिव होते हैं। ब्रदर्स, जिस तरह हम किसी लड़के या लड़की को देखकर, उसके चाल चलन को समझकर, उसके साइकोलॉजी को देखकर ये पता कर सकते हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा, इसी तरह मार्केट में कैंडल, उसकी बॉडी, उसकी वीक को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर हम बता सकते हैं कि प्राइस कौन कंट्रोल कर रहा है, सेलर्स या बायर्स। और इससे काफी हद तक हमें ये भी पता चल सकता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। ब्रदर, मार्केट में ऐसे ही बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं जिन्हें कैंडल की सही नॉलेज नहीं होती, इसी वजह से वह गलत एंट्री में प्रवेश करके अपना लॉस करवा लेते हैं। अगर आप भी ग्रीन कैंडल को देखकर ये सोचते हैं कि ये बायर्स की कैंडल होती है और रेड कैंडल को देखकर ये सोचते हैं कि ये सेलर की कैंडल होती है, तो बधाई हो, आप बिल्कुल गलत हो। ये बात जान लो, आप कैंडल के कलर को देखकर ये बात कभी नहीं बता सकते कि कैंडल बायर के कंट्रोल में है या सेलर के कंट्रोल में है। तो कौन सी कैंडल बायर के कंट्रोल में होती है और कौन सी कैंडल सेलर्स के कंट्रोल में होती है, आज इसी बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और सिंपल भी होने वाली है। अगर आप इसे पूरा देखकर समझ लेते हो तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ एडवांस सीख कर जाओगे। ब्रदर, आज के वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 का। मुझे पता है आप इसे जरूर पूरा करेंगे, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर हफ्ते ऐसे ही सिंपल लर्निंग वाले वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। ब्रदर्स, सबसे पहले मैं आपका एक बेसिक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि जब कोई कैंडल मार्केट में फॉर्म होती है, चाहे वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल, वहाँ पर बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। जैसे समझो, यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारे सेलर यहाँ पर अपने एनालिसिस से सेलिंग भी कर रहे होंगे और बहुत सारे बायर्स अपने एनालिसिस से यहाँ पर बाइंग भी कर रहे होंगे। यानी इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर बाइंग भी हो रही है और सेलिंग भी हो रही है। अब देखिए, ये कैंडल पूरी तरीके से फॉर्म हो चुकी है जो कि एक रेड कैंडल बन गई है। अब बहुत सारे लोग जिन्हें कैंडल की साइकोलॉजी की सही समझ नहीं होती, वो लोग इस कैंडल को रेड बनता हुआ देखकर यहाँ पर बोलेंगे कि ये कैंडल सेलर के कंट्रोल में होगी। लेकिन जान लो, आप कैंडल के कलर को देखकर ये डिसाइड नहीं करना है कि कैंडल बायर के कंट्रोल में होंगी या सेलर के। तो ये कैंडल किसके कंट्रोल में है, बायर के या सेलर के, जानने के लिए हमें इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझना होगा। तो चलिए अब अलग अलग कैंडलस्टिक को देखते हैं और उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं। दोस्तों, अब आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कैंडल की साइकोलॉजी को समझ सकते हो। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक कैंडल शो करूंगा और आपको बताना होगा ये कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर के कंट्रोल में है। उस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हो जब आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर वीडियो के हर एक बेसिक पॉइंट को समझ लेते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस ग्रीन कैंडल को बायर्स कंट्रोल कैंडल और रेड कैंडल को सेलर्स कंट्रोल कैंडल कहते हैं, जो लोग बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। मैं तो इन दोनों कैंडल को सेलर्स कंट्रोल कैंडल बोलूंगा। कैसे? देखो दोस्तों, जब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगती है तब प्राइस एक पॉइंट से ओपन होती है, जिसे हम ओपनिंग पॉइंट बोलते हैं। जब प्राइस ओपन होती है तो बायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी वजह से कैंडल ऊपर जाने लगती है और एक पॉइंट पर पहुंचने पर अब बायर्स खरीदना बंद कर देते हैं और सेलर्स बेचना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से बायर्स यानी खरीदने वाले यहाँ पर कमजोर होने लगते हैं और बेचने वाले यानी सेलर स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, जो कैंडल को नीचे दबा देते हैं। और जब प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट के पास आती है तब कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है, जिसे हम कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट बोलते हैं। और एक कैंडल कुछ इस तरीके की एक ग्रीन कैंडल बनकर तैयार हो जाती है। जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन चार्ट पर होता है तब हम उसे ग्रीन कैंडल बट एक सेलर कंट्रोल कैंडल बोलते हैं, क्योंकि जब प्राइस इस पॉइंट पे ओपन हुआ तब बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए पर इस पॉइंट पर सेलर्स एक्टिव हो गए और स्ट्रॉन्ग सेलिंग करने लगे, तो प्राइस यहाँ से गिर जाती है और कैंडल पर एक स्ट्रॉन्ग अपर विक बन जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से प्राइस अभी सेलर के कंट्रोल में है। इस समय अगर आपको
कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलती है तो आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इसी तरीके से जब रेड कैंडल चार्ट पर फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट पर ओपन होती है। जब प्राइस इस पॉइंट पर ओपन होती है तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से थोड़ी से नीचे आ जाती है। जब प्राइस यहाँ पे थोड़ी से नीचे आती है तब यहाँ पर बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और स्ट्रॉन्ग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाना स्टार्ट कर देती है। जब प्राइस अपसाइड जाकर एक पॉइंट पर पहुँचती है, यहाँ पर फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, यानी प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउनसाइड आना स्टार्ट कर देती है। जब प्राइस यहाँ से डाउनसाइड आती है तो प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक करके यहाँ पर क्लोज कर देती है, इसीलिए ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। और अब ये कुछ इस प्रकार की एक रेड कैंडल बनकर तैयार हुई है, जिसकी अपर वीक बॉडी के कंपैरेटिवली काफी लॉन्ग है। और इस कैंडल को भी हम एक बेरिश कैंडल ही कहते हैं, क्योंकि इस कैंडल में हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कैंडल की अपर वीक काफी लॉन्ग है। तो दोस्तों, आपको हमेशा देखना है कि जब भी आपको चार्ट पर ऐसी रेड या ग्रीन कैंडल देखने को मिले जिनकी अपर वीक बॉडी के कंपैरेटिव में काफी लॉन्ग हो, तो वहाँ पर आपको समझ जाना है यहाँ पर सेलर्स कंट्रोल में ज्यादा है। आइए अब सेकंड टाइप की कैंडल को समझते हैं। ब्रदर, सेकंड टाइप की जो कैंडल होती है इसे हम हैमर या पिन बार कैंडल कहते हैं, क्योंकि ये कैंडल देखने में बिल्कुल हथौड़े जैसे होती है। इन कैंडल में इनकी जो लोअर वीक होती है वो काफी लॉन्ग होती है। इस तरह के कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि जब चार्ट पर इस तरह की कैंडल बनती है तब हमें पता चलता है कि प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। आइए जानते हैं कि ये दोनों कैंडल चार्ट पर फॉर्म कैसे होती है और इनके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। ब्रदर्स, जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगती है तब प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होने लगती है। जब प्राइस ओपन होती है यहाँ पे बहुत सारे सेलर स्ट्रॉन्ग सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सेलर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए प्राइस में सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से डाउनसाइड आने लगती है। जब प्राइस यहाँ से डाउनसाइड आ जाती है और एक पॉइंट तक पहुँचती है तब सेलर यहाँ पर सेलिंग करने में इंटरेस्ट लेना पसंद नहीं करते और बायर्स अच्छा मौका देख के स्ट्रॉन्ग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाना स्टार्ट कर देती है, अपने ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देती है। तो जब भी चार्ट पर आपको ऐसी कैंडल देखने को मिले तो आप वहाँ पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन को देखकर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ऐसे ही जब ये रेड पिन बार कैंडल चार्ट पर बनने लगती है तब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होती है। जब प्राइस इस पॉइंट पर ओपन होती है तब यहाँ पर बहुत सारे सेलर स्ट्रॉन्ग सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से डाउनसाइड आने लगती है। जब प्राइस यहाँ से डाउनसाइड आती है और एक पॉइंट पर आती है तो सेलर्स सेलिंग करने में इंटरेस्ट कम कर देते हैं, अच्छा मौका देखकर बायर्स स्ट्रॉन्ग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और इसी वजह से प्राइस अपसाइड जाने लगती है और अपने ओपनिंग पॉइंट के नीचे क्लोज हो जाती है, जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट होता है। और इसीलिए एक कैंडल रेड पिन बार कैंडल बनकर तैयार हो जाती है। इसकी लोअर वीक काफी लॉन्ग होती है और इसी लॉन्ग लोअर वीक की वजह से हमें ये पता चलता है कि इस वक्त प्राइस में बहुत ही ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और अभी भी प्राइस में बायर्स कंट्रोल में है। तो ब्रदर्स, आपको जब भी ऐसी कैंडल चार्ट पर नजर आए, चाहे वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, पर उसकी लोअर वीक उसके बॉडी के कंपैरेटिव में दो गुना लंबी होनी चाहिए, तो आपको वहाँ पर समझ जाना है इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और प्राइस अभी बायर्स के कंट्रोल में है। इस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब आइए थर्ड टाइप की कैंडल को भी समझ लेते हैं। इस टाइप की कैंडल में कैंडल की बॉडी और अपर वीक एक समान की ही होती है और कैंडल चार्ट पर रेड या ग्रीन किसी भी कलर की फॉर्म हो सकती है। अगर कैंडल चार्ट पर ग्रीन कलर की फॉर्म होती है तो ये हमें बताती है इस समय प्राइस न्यूट्रल है, यानी इस समय प्राइस ना ही बायर्स के कंट्रोल में है और ना ही सेलर के कंट्रोल में है। पर अगर रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है तो हमें पता चलता है कि इस समय प्राइस सेलर के कंट्रोल में है। चलिए जानते हैं ये दोनों कैंडल चार्ट पर कैसे फॉर्म होती है और इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। ब्रदर,
जब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट पर ओपन होती है और यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाने लगती है। जब प्राइस ऊपर जाकर एक पॉइंट पर पहुंच जाती है तो बायर शांत हो जाते हैं और सेलर स्ट्रॉन्ग तरीके से सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ जाती है और इसी वजह से प्राइस नीचे आने लगती है। पर बायर्स अभी भी बाइंग कर रहे हैं। अब बायर्स और सेलर एक समान होते हैं, इसीलिए प्राइस एग्जैक्टली हाफ पर आकर क्लोज हो जाती है और यह कैंडल कुछ इस तरीके की फॉर्म हो जाती है, जिसकी अपर विक उसके बॉडी के बराबर होती है और उसकी लोअर विक नहीं होती। जब एक कैंडल फॉर्म होती है तब हमें पता चलता है कि अब प्राइस ना ही सेलर के कंट्रोल में है और ना ही बायर्स के कंट्रोल में है, यानी प्राइस अभी न्यूट्रल है। इस समय आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। इसी तरीके से जब ये रेड कैंडल फॉर्म होने लगती है तब इस पॉइंट पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस ऊपर जाने लगती है। इस पॉइंट पर प्राइस आने पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस नीचे आना स्टार्ट कर देती है। सेलर का प्रेशर बायर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से प्राइस जितनी ज्यादा ऊपर चली गई थी उतनी ही ज्यादा नीचे आने लगती है और क्लोज हो जाती है और एक कैंडल हमारे सामने कुछ इस तरीके की बनकर तैयार हो जाती है, जिसकी अपर विक बॉडी के समान होती है और उसकी लोअर विक नहीं होती। जब एक कैंडल फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है कि इस टाइम पर प्राइस सेलर के कंट्रोल में है, क्योंकि जब प्राइस इस पॉइंट पर ओपन होती है तो बायर्स प्राइस को इस पॉइंट से हाई पॉइंट तक ले जाते हैं, लेकिन जब सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं तब प्राइस को जितना ऊपर गई थी उससे दुगना नीचे ले आते हैं। तो हमें पता चलता है कि इस समय प्राइस में स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको सब समझ में आ रहा हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। हम आगे भी ऐसे ही बहुत सारे कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे, पर आज नहीं ठीक अगले हफ्ते इस वीडियो का अगला पार्ट 2 आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो आइए अब वीडियो के कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। एक, कैंडल के कलर को देखकर आप कभी नहीं बता सकते कि कैंडल सेलर के कंट्रोल में है या बायर्स के। टोन, अगर कैंडल की अपर विक बॉडी के 2 times है और वह किसी इम्पोर्टेंट लेवल जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फॉर्म हो रही है तो उस समय सेलिंग का देखेंगे, क्योंकि इस टाइम पर सेलर कंट्रोल में है। 3, अगर किसी कैंडल की लोअर विक बॉडी के 2 times है तो वो पिन बार और हैमर कैंडल होती है, जिसमें बायर्स कंट्रोल में होते हैं। 4, इन सभी कैंडल में कलर मैटर नहीं करता, यानी कैंडल रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। 5, अगर किसी कैंडल की अपर विक उसके बॉडी के समान है तो वो कैंडल न्यूट्रल होगी। अगर वो कैंडल का कलर ग्रीन है और अगर उसका कलर रेड होगा तो वो कैंडल सेलर कंट्रोल कैंडल होगी। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और सब समझ में आया। तो आप एक कमेंट में बताना कि एक कैंडल बायर्स कंट्रोल कैंडल है या सेलर के कंट्रोल में कैंडल है। ये आप तभी बता सकते हो अगर आपने ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखा हो। चलो अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। अगर आप पार्ट 2 के लिए तैयार हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। या फिर इस वीडियो को सेव कर लो, पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी ठीक अगले हफ्ते तक। आपके उस दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना जो आपको हमेशा ट्रेडिंग में सपोर्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं अगले हफ्ते पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।